नमस्कार दोस्तों, मैं हैरी स्टडी पॉइंट 6 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दुनिया में कितने प्रतिशत लोग अपने बाएँ हाथ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लिखने में हो, खाने में हो या अदर किसी वर्क में हो। तो दुनिया में कितने प्रतिशत लोग हैं जो अपने बाएँ हाथ का इस्तेमाल करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 11%। दुनिया में 11% लोग ऐसे हैं जो अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? ऐसा कौन सा शहर है जहां पर 5 सूर्य दिखाई देते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सिंगनाई च्यू में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सब्जी को खाने से दांत साफ होते हैं? ऐसी कौन सी सब्जी है जिसे खाने से दांत साफ होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पपीता की सब्जी को। पपीता की सब्जी को खाने से दांत साफ हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस नदी का पानी सबसे गर्म होता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसका पानी गर्म होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नील नदी का। दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी, जिसका पानी गर्म है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को माना जाता है? आप सभी को पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा जिराफ। जिराफ विश्व का सबसे ऊंचा पशु है। यहाँ पर लंबे पशु की बात नहीं हो रही है, सबसे ऊंचे हाइट में ऊंचे पशु की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा जिराफ। उसके बाद नेक्स्ट, विश्व में कितनी भाषाएँ बोली जाती है? विश्व में कुल कितनी भाषाएँ बोली जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा 5000 से भी अधिक। विश्व में 5000 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट, संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम सबसे अधिक कहां पर पाया जाता है? अमेरिका में। और भारत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? अभ्रक। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी को मालूम ही होगा कि किस देश का कानून सबसे कठोर होता है, जहां अंग भंग दंड दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल और राजधानी भी क्या है? रियाल। तो सबसे कठोर कानून कहाँ पर है? सऊदी अरब में। वहाँ की मुद्रा है रियाल है और राजधानी भी रियाल है। उसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही कौन सा हो जाएगा? काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो कहाँ पर है ये? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और यहाँ पर 3 ऑप्शंस और दिए हुए हैं, इंद्रावती, गुरु घासीगढ़, कांगेर घाटी। ये तीनों कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ में। लेकिन काजीरंगा कहाँ पर है? असम में। उसके बाद नेक्स्ट, तराइन का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद नेक्स्ट, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गोपालाचारी। सी गोपालाचारी क्या थे? पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, हम यहाँ पर पहले ब्रिटिश गवर्नर की बात नहीं कर रहे हैं, भारतीय गवर्नर, जो भारत के जो पहले गवर्नर बने थे, ठीक है, वो थे सी राजगोपालाचारी। उसके बाद नेक्स्ट, किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च। अगर ऑप्शन में आ जाए,
अलग अलग अगर ऑप्शन में अलग अलग महीनों के नाम दिए हुए हों, जैसे कि जनवरी, फरवरी, अप्रैल और मार्च, 23 मार्च को तो मनाया जाता है, तो आपको मौसम से पता करना है कि मौसम इसमें भी मार रहा है और मार्च में भी मार रहा है, तो महीना तो कंफर्म हो जाएगा कि मार्च है। तारीख याद रखनी है आपको 23, 23, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पहले कितने महासागर थे? 4 महासागर थे, अब कितने हो गए हैं? कुल 5 महासागर हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? इसका आंसर हो जाएगा 8। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। अगर आप अभी तक स्टडी पॉइंट 6 चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी ऐसे नए वीडियो आए तो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।